After completions the first chapter, chemical reactions and equations, and provided some important questions, students today we summarize some important points of the chapter first, chemical reaction and equations. तो स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद हमने उसमें से कुछ हॉट टाइप क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड किया था आपको सॉल्व करने के लिए. आज हम चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम शो करेंगे. व्हाट यू हैव लर्न, आपने हमारे जितने टॉपिक्स देखे वीडियो लेक्चर नंबर 1 to 6 तक, उससे आपने क्या सीखा, तो उसका समरी आज हम प्रोवाइड करेंगे. इसके बाद इस वीडियो के लेक्चर के बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में NCERT एक्सरसाइज के और एग्जांपल इंटरेस्ट क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करेंगे, और कुछ इम्पॉर्टेंट जो है थीम्स हम उसमें भी आपको प्रोवाइड करेंगे. सो फर्स्टली वी सी इन दिस वीडियो लेक्चर इम्पॉर्टेंट समरी ऑफ द चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस. पॉइंट वाइज, पॉइंट फर्स्ट, ए कंप्लीट रिएक्शंस, ए कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड देयर फिजिकल स्टेट ऑफ सिंबॉलिकली. जो एक केमिकल इक्वेशन होता है उस केमिकल इक्वेशंस में हम रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्टेंट्स को. जैसे सपोज कीजिए आपका रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स हो गया, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दिखाते हैं. ओके, और इनके सपोज कीजिए रिएक्टेंट आपका सॉलिड है, जिसको जैसे दिखाएंगे, और प्रोडक्ट अगर आपका गैस फॉर्म होता है, इसको हम जी शो करेंगे. तो कंप्लीट इक्वेशन में इसको हम सिंबल फॉर्म में भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे हाइड्रोजन को H, कार्बन को सी, ऑक्सीजन को, कार्बन को सी, ऑक्सीजन को ओ, एसेप्टा. पॉइंट सेकेंड्स, ए केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस, केमिकल इक्वेशन बैलेंस सो दैट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन आर द सेम ऑन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट साइड ऑफ द इक्वेशन. इक्वेशन मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस. तो स्टूडेंट्स, ये बैलेंस इक्वेशन की बात हो रही है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस तभी होगा जब नंबर ऑफ एटम्स ईच टाइप इन्वॉल्व, ये नंबर ऑफ एटम रिएक्शन में इन्वॉल्व, केमिकल इक्वेशन में इन्वॉल्व होने वाले रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में दोनों साइड क्या होंगे, सेम होंगे, तब ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं दैट इज बैलेंस, वह बैलेंस होगा. नेक्स्ट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं. इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू आर मोर सब्सटेंस कंबाइन होता है टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस, और इसमें सिंगल सब्सटेंस बनता है. नेक्स्ट पॉइंट, डीकम्पोजिशन की बात हम करते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में आर अपोजिट टू कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन का अपोजिट है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे हमने ले लिया सी, कॉम्बिनेशन में लिया जो है सी प्लस ओ टू इक्वल टू सी ओ टू, दैट इज कॉम्बिनेशन. और डीकम्पोजिशन में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम इसको ब्रेक करेंगे सी प्लस ओ टू में, ऐसे ब्रेक करेंगे, दैट इज जस्ट अपोजिट. तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन में ब्रेक होता है और कॉम्बिनेशन में एडिशन होता है. इन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन ए स्मॉल सब्सटेंस डीकम्पोज होता है टू गिव टू आर मोर सब्सटेंस, और ये क्या करता है, टू आर मोर सब्सटेंस प्रोवाइड करता है. और कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि टू आर मोर सब्सटेंस रिएक्ट करके सिंगल बनाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट्स, रिएक्शन इन विच हीट इज गिवेन आउट एलॉन्ग विद द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक. तो रिएक्शन कंडीशन में अगर हीट इवाल्व होता है तो उसको एक्सोथर्मिक नाम दिया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन इन विच इनर्जी एब्जॉर्ब, रिएक्शन में अगर इनर्जी दिया जाता है, इनर्जी लेने के बाद तब रिएक्शन स्टार्ट होता है, आर नोन एज एंडोथर्मिक. नेक्स्ट पॉइंट,
when an element displaces another element, जब वो element अदर को displace करता है from the compounds, ये displacement reaction आकर तब उसको displacement कहते हैं। ये भी हम आप वीडियो लेक्चर में दे चुके हैं कि जब more reactive metals को अगर उसके salt solution में हम dipped करते हैं तो more reactive metal displace to less reactive metals, that is displacement। Next point, two different atoms or group of the atoms are exchanged in double decomposition reaction. Double decomposition reaction में exchange होता है। Next point, precipitation reaction produce insoluble salt. Precipitation जो है यह insoluble produce करता है। Next point, reaction also involve the gain or loss of oxygen or hydrogen by substances. Oxidation is the gain of oxygen or loss of hydrogens. तो oxidation process उसको हम कहते हैं जो कि oxygen gain करता है या hydrogen loss करता है, और reduction उसको हम कहते हैं जो कि loss करता है oxygen को और hydrogen gain करता है, that is reduction process. तो स्टूडेंट्स दैट इज ओल्ड कंसेप्ट, ये ओल्ड कंसेप्ट है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन वो होता है जो गेन ऑफ ऑक्सीजन लॉस ऑफ हाइड्रोजन्स, और रिडक्शन हम उसको कहते हैं जो कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन्स। तो इस तरह से यह आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस है, दैट इज ओल्ड कंसेप्ट। तो स्टूडेंट्स आज की समरी में जितने पॉइंट हमने दिए हैं दैट इज रिविजन ऑफ द वीडियो लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो सो स्टूडेंट्स दैट इज रिवाइज चैप्टर एंड नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी प्रोवाइड सम इम्पॉर्टेंट्स क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड बोर्ड लेवल क्वेश्चंस। सो थैंक्स।